क्या आपका भी गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है? क्या आपके घर का कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत जिद करता है, दीवारों पे सर पटक देता है, रोने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है? तो फिर आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं वो एक पॉइंट बताऊंगी जिसको लगा करके आप अपने स्वभाव को परिवर्तित कर पाएंगे, आप अपने गुस्से को अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे, अपने काबू में कर पाएंगे। तो आप देखते रहे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक ही जगह पर दे सकूं। लेकिन देने से पहले करूंगी एक निवेदन। आपको क्या लगता है कि आप मेरी वीडियो देखेंगे और बिना सब्सक्राइब के देखेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तो देखिए ये आपकी स्क्रीनशॉट, ये कहता है कि किसने सब्सक्राइब किया है और तब देखा है, और कितने परसेंट लोगों ने बिना सब्सक्राइब के रेगुलर देखा है। ये तो चीटिंग हो गई भाई कि आप मेरी वीडियो देखते हो और उसको सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब करने का यही तो फायदा होगा ना, मेरा क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, आपका फायदा होगा कि आप तक मैसेज उसके जाएंगे वीडियो के कि हाँ आज मैंने ये वीडियो डाली है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप अपने ही फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन दबा लें कौन? जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी, जिन्होंने नहीं किया है वो भी। पहले सब्सक्राइब करें फिर ऑल का बटन दबाएं, चेक कर लें कि पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब आप ऑल का बटन नहीं दबाते ना, कोई मैं वीडियो डालती हूँ ना, तो आप तक तो पहुँचती नहीं। फिर बीच बीच में व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, जबकि वो वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपसे जो मिस होता है ना, उसका रीज़न है कि आप जाने अनजाने ऑल बटन हिट करना नहीं जानते, तो उसको कर दीजिएगा। और जो बिना सब्सक्राइब किए कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद देखिए। देख तो रही हैं तो सब्सक्राइब के बाद देखिए। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना, आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि घर बैठे छोटी मोटी बीमारियों, और आज तो जो मैं बताने जा रही हूँ ये तो बहुत ही बड़ी है, ऐसी बीमारियों का इलाज आप खुद से कर सकें, और जो गंभीर बीमारी हो उसके लिए तो भाई विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है और आपको वहाँ जाना पड़ता है, तो आपको जाना चाहिए। अब आती हूँ मैं टॉपिक पर कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको लगा कि भला गुस्सा परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर गुस्सा आता ही क्यों है। एक तो परिस्थितियाँ होती हैं कि कोई आपको ज़बरदस्ती पोक करता रहे, कोई आपको परेशान करता रहे, कोई आपके अनुरूप काम ना करता हो, ज़रूरत से ज़्यादा ही न्यूसेंस क्रिएट करता रहे, वो गुस्सा आता है, और जो कि जेन्युइन है। और एक होता है कि ज़बरदस्ती गुस्सा आता है, हम चाहते नहीं फिर भी चिड़चिड़ करते रहते, तो बाद में पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, इस बात पे गुस्सा आना कोई उसका औचित्य था नहीं लेकिन आ गया। आपका बच्चा है, छोटी छोटी चीज़ों पर हाथ पैर पटकने लगता है, फेंकने लगता है। एक तो उसमें होता है आपकी पैम्परिंग वाली हैबिट, जिससे उस वो बच्चा बिगड़ा है, एक वो होता है, और दूसरा होता है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है? एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग हर एक स्वभाव का संबंध उसके ऑर्गन से जुड़ा है। एंजाइटी है, फियर है, एंगर जैसे आज मैं बताने जा रही हूँ, तो ये जो एंगर है ना, इसका संबंध लीवर नाम के ऑर्गन से। अगर लीवर में हीट बढ़ जाए तो व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है। कुछ दिनों से बढ़ा है तो परिवर्तित हो गया आपका स्वभाव अचानक से, और अगर पुराना है तो ये एक स्वभाव बन जाता है कि जी हमारा तो स्वभाव ही गुस्से वाला है, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होता कि मनुष्य का स्वभाव गुस्से वाला है तो फिर सभी मनुष्यों का होना चाहिए था। ठीक, तो ये पहली बात तो समझ लें कि ये आपकी एबनॉर्मल कंडीशन है, स्वभाव नहीं है। और अब लीवर में हीट बढ़ने से गुस्सा आएगा, इसको रिलेट कर देती हूँ मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। आपके कमरे में एसी ऑन है, एकदम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कूल कूल है, और आप आराम से एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फैन ऑफ हो, चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद हो, गर्मी का मौसम हो, और एसी तो दूर पंखा ही बंद है, और साथ में सीधी सीधी सूर्य की किरणें भी आकर के कमरे को पूरी तरीके से तपा रही हैं, और ऐसे में आपसे कोई कहे पसीना टपक रहा है, और आपसे कोई कहे कि बैठ के ये काम करते रहो, आप कर पाएंगे? नहीं। आपको बड़ा अंदर से इरिटेशन होगा कि पहले दरवाज़ा खोलो, हटो, भागने दो, या आपके पैर के नीचे कोई गर्म वस्तु आ जाए।
और आ ना जाए, आपको कहा जाए कि उसी पे खड़े रहना है काफी देर तक, या धूप में कोई खड़ा कर दे आपको और आपसे ये उम्मीद करे कि आप बहुत अच्छा कूल कूल हो करके उसके साथ बात करें। आपने जूते मोजे पहने हैं, उसको धूप में नंगे पैर खड़ा कर दिया और बोला हाँ बात करो, आप तो हंस हंस के बात कर रहे हैं, क्या वो कर पाएगा? वो इरिटेट होता रहेगा कि हटो हमें जाने दो। तो सेम ऐसा ही जब आपके लिवर नाम के ऑर्गन में हीट बढ़ जाती है तो उसकी वजह से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, रेस्टलेसनेस होती भीतर से, बेचैनी, सिर में दर्द है, गुस्सा है और परेशानियां होने लगती हैं उसको। तो इसीलिए लीवर में हीट जब बढ़े तो गुस्सा हो जाएगा, और जब लीवर की हीट को निकालना हो तो आप उसको निकाल के स्वभाव को परिवर्तित कर दीजिए। अब क्या पॉइंट लगाएं और ये क्या काम करेगा? तो लीवर का पॉइंट नंबर 2 है। अच्छा, लीवर ही क्यों, और कोई ऑर्गन ऑर्गन क्यों नहीं, किडनी या हार्ट या कुछ और क्यों नहीं? तो जो लीवर है उसका पेयर्ड ऑर्गन गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर की जो मेरिडियन है यहाँ और यहाँ आती है और कई चक्कर लगाती है, तो ब्रेन में सबसे ज्यादा प्रभाव उसका ही होता है, सबसे ज्यादा अधिकार क्षेत्र गॉल ब्लैडर मेरिडियन का है। और जब ये एक्सेस हो जाती है तो इसका पार्टनर भी एक्सेस हो जाता है, यानी लिवर, और लिवर पर काम करना ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो लीवर का जो 2 नंबर का पॉइंट है वो लीवर का हीट का पॉइंट है। तो अगर आप लीवर 2 नंबर पर दोनों हाथों में मैग्नेट या कलर का प्रयोग करके, अगर मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट लगेगा पीला, कम करना है, निकालना है, रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे, लीवर 2 पर लगाएंगे पीले रंग का मैग्नेट दोनों हाथों में, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। 12 घंटे के लिए लगाएं, छोड़ दें, रात को लगाएं, खाना पीना खा के सुबह निकाल दें, या आपको और आवश्यकता महसूस हो रही दिन में भी लगा लीजिए। या अगर मैग्नेट से कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता नहीं हम कलर लगाएंगे, मैग्नेट बार बार निकलता है, कुछ पानी का काम करना है या वो करना है, तो आप कलर से भी लगा सकते हैं, दिन में लगाएं या रात में, कभी भी लगाइए, दोनों हाथों में लगा लीजिए और लगा करके छोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है। और जैसे जैसे आपका स्वभाव ठीक होता जाएगा आपको भीतर से आश्चर्य महसूस होगा, ये कैसे हो सकता है। तो आप कुछ भी लगाएं, मैग्नेट लगाएं, करंट लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मैग्नेट लगाना चाहते हो और आपके पास मैग्नेट नहीं है, या जो आपका गुस्सा है उसके साथ और भी बीमारियां हैं और आप अपना पूरा ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चाहे मैग्नेट लेना चाहें, चाहे उपचार लेना चाहें, तो जो सामने दिया हुआ नंबर है ना व्हाट्सएप का, पहला नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके और वेट कर लीजिए, आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन मिल जाएगा आसानी से। मैं आपसे वीडियो कॉलिंग पे बात करके और आपको सिखा दूंगी, बता दूंगी कि ये पॉइंट ऐसी ऐसी बीमारी में लगेगा, और आप उसको लगा के हमारी टीम होती है पूरी, वो आपको सिखा देगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। और अब आपसे करूंगी निवेदन कि अगर आपको ये वीडियो ऐसी अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, मन करे तो, कोई कंपलसरी नहीं है, और कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ना, वो हमारे स्टूडेंट भी हैं, कुछ थेरेपिस्ट भी हैं, तो उन्होंने पहले भी किया होगा, तो अगर किया है तो वो नए वाले सब्सक्राइबर के लिए, नए फॉलोअर के लिए, जो नया व्यक्ति देख रहा है ना, उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको अच्छा लगता है कि अच्छा ये हो सकता है क्या, तो उसके लिए आपको करना है कमेंट। और अच्छा लगे और ऐसा कोई व्यक्ति आपकी निगाह में जो इससे बहुत परेशान है, तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि उसका भी भला हो जाए। और सब्सक्राइब का मैंने शुरू में ही बता दिया कि भाई सब्सक्राइब करके तब देख लो, तो आपको समय से सूचना भी मिल जाएगी, आपका फायदा हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।